फ्रेंड्स, आई एम छवि एंड वेलकम टू दक्ष अकेडमी लर्नर यूट्यूब चैनल। आज हम डायरेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग में डायरेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज उसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, डायरेक्शन में जब भी आप सॉल्व करो क्वेश्चन, आपने हमेशा ही डायरेक्शन को ईस्ट को इधर लेना है, अपने वेस्ट इधर लेना है, नॉर्थ ऊपर और साउथ, हमेशा ऐसे ही डायरेक्शन लेनी है, तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अब देखो, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जो इनके बीच में कॉर्नर्स हैं वहां पर नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक में आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है। आपका जब भी आपने क्या करना है, डायरेक्शन को शो करना है, तो आप न्यूज एक शॉर्ट वर्ड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, NEWS ऐसे, तो इस तरीके से भी आप अपने डायरेक्शन को करेक्ट कर सकते हो। सिर्फ आपने एक लेटर याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है, न्यूज वर्ड याद रखना है, और उसको इस तरीके से मेंशन कर लो, NEWS, जिससे कि आपको डायरेक्शन याद रहे कि हमने ईस्ट किधर लेना है और वेस्ट किधर लेना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो तीन तरीके से आते हैं। एक तो आपके बेस्ड रहते हैं डायरेक्शन पे, कि सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपसे डिस्टेंस पूछ लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने कितनी तय की, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है। और थर्ड में क्या होता है, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछ लेता है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आज हम अपनी वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जब भी डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं या डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें जब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जब भी मुड़ते हैं, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मुड़ते हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। क्वेश्चन के बीच में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैं कह रही हूँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है। अब देखो, दक्षिण हमें पता है, हमने अभी बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेट रखना है कि इस तरीके से डायरेक्शन हमने लेनी है। अब उन्होंने क्या कहा, दक्षिण, दक्षिण को क्या बोलते हैं हम, साउथ, दक्षिण को बोलते हैं साउथ, ऐसे मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी साउथ जो है दक्षिण दिशा आई, यानी कि वो नीचे की ओर चला 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चला वो, 6 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर बाई ओर मुड़कर। अब बाई ओर यानी कि लेफ्ट, बाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, मैं लिख देती हूँ, कई बार हिंदी में नहीं समझ आता, बाई का मतलब होता है लेफ्ट और दाई का मतलब होता है राइट। तो आपने हमेशा अपने आप को ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, ठीक है। जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो आपका लेफ्ट इधर आएगा, ठीक है, और राइट इधर रहेगा। अगर आपका फेस इधर है तब आपका लेफ्ट इधर आएगा और राइट इधर आएगा, इधर लेफ्ट आएगा और इधर राइट आएगा। लेकिन अभी आपका फेस है उल्टा, तब आप अपने आप को यहाँ पे इमेजिन कर लो कि आपका फेस यहाँ पर है तो आपका लेफ्ट इधर चलेगा। तो क्वेश्चन सोचते हैं आगे, 6 किलोमीटर चलता है और बाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब देखो, जो इन लाइंस का डिफरेंस है, आपका ये रेशियो है, ये बिल्कुल ऐसे ही मानना है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आप मान नहीं सकते कि 6 मीटर और 4 मीटर, तो आप 6 मीटर बढ़ा ले लो और 4 मीटर छोटा ले लो। तो मैंने ऐसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लिया इनके बीच में कि एक बड़ा है और एक छोटा है, उस तरीके से आप उनका रेशो लेके चलो, ठीक है। 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाई ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब इसका यहाँ से देखो, यहाँ पर है वो, तो उस यहाँ उसकी डायरेक्शन है ऐसे, तो उसका बाएं किधर बैठेगा, इधर बैठेगा बाएं, ठीक है। अब 6 से छोटा होता है 5, यहाँ तक ले लो, तो 5 किलोमीटर फिर चला वो अपने बाएं में, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, यानी कि ऐसे चल रहा है ना वो, तो डायरेक्शन देखने आपके यहाँ से कैसे आएगी, यहाँ पे लगा लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी कि आपकी नॉर्थ में आएगी, यानी उत्तर दिशा में आएगी, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में उसका फेस होगा। आई थिंक ये क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट पे चले। उसके बाद देखो, विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। अभी मैंने बताया आपने यही लेना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पूर्व किधर है, ईस्ट में, ईस्ट को पूर्व कहते हैं। अब देखो, विजय ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, ये चल दिया वो 75 मीटर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दे रखी होते हैं 75। अब आपने लॉन्ग बनाना है थोड़ा सा उसको, उसके बाद चलने के बाद में बाई ओर मुड़कर, अब यहां से उसका बाएं किधर होगा, बाएं उसका इधर होगा, बाएं ओर मुड़कर वो 25 मीटर चलता है।
25 मीटर चलता है, ठीक है 25 मीटर 75 75 से तो हमने 25 कम ही लेना है ना, क्योंकि 75 ज्यादा है और 25 कम है, तो उनका रेशियो हमने उसी हिसाब से रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर बाई ओर मुड़कर सीधे 40 मीटर चलता है, यहाँ है उसका बाएं बैठेगा इधर, तो 40 मीटर चल गया उधर, ठीक है 40 मीटर यहाँ पे चला। फिर दूरी तय करने के बाद वह फिर बाई ओर मुड़कर 25 मीटर चला, अब इसका बाएं यहाँ से यहाँ बैठेगा, यहाँ पे फिर उसने 25 मीटर की दूरी तय की। अब वह पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब प्रारंभिक यानी कि इनिशियल पोजिशन उसकी यहाँ पर थी, और यहाँ पर क्या है उसकी अंतिम पोजिशन यानी कि यहाँ पर है लास्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे इनिशियल पोजिशन है, यहाँ पे उसकी क्या है फाइनल पोजिशन है, इन दोनों के बीच का गैप निकालना है कितनी दूरी है। ये तो पूरी है 75, ठीक है, और ऊपर कितनी चला था 40, यानी कि इतनी दूरी उसकी हो जाएगी 40। तो हमें निकालनी कौन सी है, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 75 में से क्या करेंगे 40 माइनस कर देंगे, ठीक है 75 पूरी है और 40 हाफ है, 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 35 मीटर आंसर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको ये, नेक्स्ट पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ए व बी विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। अब दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, वो विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, डायरेक्शन से हैं, देखो कैसे करेंगे इसको। ए के पॉइंट से लेंगे, ए के पॉइंट से चलना शुरू किया है ए और बी, इसने इधर शुरू किया और इसने इधर, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है तीन, ए जो है 3 मीटर चलता है और बी 4 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है ना। इसने क्या किया, 3 मीटर पर चलता है और ये 4 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है। उसके बाद फिर ए दाई ओर 4 मीटर, अब ए का दाई ओर किधर बैठेगा, अब ये इधर है, इसका ए का दाई ओर इधर बैठेगा, यानी कि 3 से हमें ज्यादा लेना है, यहाँ तक ले लें इसको, ये आ गया इसका 4 मीटर चलता है, ठीक है। और बी बाई ओर, अब इसका बाई इधर बैठेगा, बी बाई ओर चलता है 3 मीटर चलता है, 4 से कम लेना है 3 मीटर। अब उन्होंने पूछा है दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताना है कितना है। तो ये यहाँ से यहाँ मिला देंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ मिला देंगे ऐसे, ठीक है। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, कि जब भी हम दाएं से बाएं जा रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और 90 डिग्री का एंगल बनते ही हमने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। थर्ड पॉइंट को यहाँ को या इस वाली साइड को निकालने के लिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। इनको नेम दे दो, ए ये था, बी सी डी और ई, ठीक है, हमने चारों इनके नेम दे दिए हैं। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम के लिए आप गुरमेश सर की वीडियो पाइथागोरस ट्रिक्स को देख सकते हो, ठीक है, वहां पर आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। देखो पाइथागोरस होती क्या है, कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सिर्फ मैं हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको लंब बोलते हैं, ठीक है, ये आपका बेस आ जाता है जिसको आप बोलते हैं आधार, और ये आ जाता है हाइपोटेन्यूस, विकर्ण जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सॉरी कर्ण, कर्ण आता है, विकर्ण नहीं होता, कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईसी निकालने के लिए ईसी और बीडी, डीसी दोनों से, डीसी सॉरी डीसी, ईसी और डीसी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, अलग अलग निकाल के भी देख सकते हो, पर मैं सिंगल में बता रही हूँ, इक्वल ही आने हैं। कैसे आने हैं, हमने अभी बताया, यहाँ पर हमने रूट लगाया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इन दोनों साइड्स को प्लस करने पर हमारी कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस की साइड निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 3 3 9 आ जाता है रूट 25, और इसका आंसर आएगा 5 मीटर, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, और वो रूट में है तो बाहर निकालने पे स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा उसका। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पाइथागोरस नहीं क्लियर है तो गुरमेश्वर की वीडियो प्लीज जरूर देखें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की, उसमें आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया,
ठीक है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। अब देखो दक्षिण दिशा, अभी हमने बताया कि जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने ऐसे ही लेने हैं, ठीक है, यानी पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। वहां पर दक्षिण दिशा कह दिया यानी कि वो नीचे की साइड चलेगी, यहां पर आ गया ऐसे आ गया। कितनी कितनी दूरी तय करी उसने, 15 किलोमीटर दूरी तय करी, अपने हिसाब से उसी रेशो में लेना है, ठीक है। उसके बाद आया पहले दो बार अपने बाएं मुड़ी, अब यहां से उसका बाएं बैठा है इधर और कितनी चली 15 किलोमीटर चली और फिर से 15 किलोमीटर चली, दो बार मुड़ी है ना वो बाएं से, मैं दो बार ले रही हूँ 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर, दो बार बाएं बाएं मुड़ कर चली है। उसके बाद अब मैं अपने प्रस्थान से कितनी दूरी पर है, यानी फाइनल पोजिशन उसकी यहाँ पर है, इनिशियल पोजिशन यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी आपने बतानी है, ठीक है। बीच की दूरी तो देखो ये स्क्वायर बन गया क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री हमने अभी बताया, जब भी दाएं बाएं मुड़ते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये तो सेम ही आ जाएगी डिस्टेंस, 15 ही आ जाएगी डिस्टेंस। बट दिशा हमने बता दिया, देखो किस दिशा में है ये भी पूछा है, क्या पूछा है किस दिशा में है, यहाँ से वो किस दिशा में है हमने ये बताना है। अब यहाँ पर लगा हुआ ऐसे ऐसे आप यहाँ पे लिख लो छोटा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब यहाँ से आपने देखी है उसकी दिशा इस दिशा में है, तो किस दिशा में जा रहा है वहां पे ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और डिस्टेंस कितना आया 15, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, यानी 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला। अब देखो उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ है, उत्तर आता है आपका नॉर्थ, नॉर्थ आता है ऊपर की साइड, यहाँ पर चला वो 25 किलोमीटर चलिए, ठीक है। उसके बाद फिर पश्चिम की ओर चला, अब पश्चिम की तरफ आता है वेस्ट, ये थोड़ा सा गलत बना लिया, दोबारा बना लेते हैं, डिस्टेंस सही नहीं दिया, यहाँ पे आ जाते हैं 25। अब वो चला कहाँ, पश्चिम की ओर, यानी कि हमारी डायरेक्शन आ गया इधर की साइड, कितनी दूरी तय करी उसने 15, अब इससे तो कम होगी ना, यहाँ पे ले लेते हैं 15 का डिस्टेंस। अब चला वो दक्षिण की ओर, दक्षिण की तरफ होती है साउथ, यानी कि ये आ गया आपका नीचे, ठीक है, कितनी दूरी तय करी उसने 10 किलोमीटर दूरी तय करी, ये आ गया आपका 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आ गया 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, 15 किलोमीटर चलता है अंत में, लास्ट में वो 15 किलोमीटर पूर्व की तरफ चल दिया, ठीक है, ये चल दिया। अब उसने पूछा है अपने घर से किस दिशा में है, घर उसका यहाँ पर था, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर था उसका, और फाइनल है वो यहाँ, यहाँ पर इस टाइम वो खड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आपने बताना है कि वो घर से किस दिशा में है। अब यहाँ से आप डायरेक्शन निकाल रहे हो, यहाँ पे फिर से लगाओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, अब डायरेक्शन बता दो, वेस्ट की साइड है वो, वेस्ट का मतलब क्या है आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सॉरी नॉर्थ की साइड है आपका, नॉर्थ का मतलब क्या है आपका उत्तर दिशा में है, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको साथ के साथ सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।